नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। केंद्र की मोदी सरकार के पास बहुत सी चीजों का आंकड़ा नहीं है, उसे पता ही नहीं है। आप यह ना सोचिए कि इस सरकार को, इस देश की संसद को यह नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में, महामारी में कितने लोग मरे। यह अलग बात है कि देश का बच्चा बच्चा, हर शहर में रहने वाला, गांव में रहने वाला, उन सब ने अपनी आंखों के आगे ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए लोगों को देखा था। यहां जब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं पेगासस जासूसी मामले के बारे में भी बात नहीं कर रही, क्योंकि वहां पर भी सरकार अभी तक नहीं बता पाई कि आखिर भारतीय नागरिकों की इतने बड़े पैमाने पर जो जासूसी हो रही थी, वह आदेश किसने दिया। यहां पर मैं बात कर रही हूं एक मंत्रालय की, एक ऐसा मंत्रालय जो फरवरी में देश की संसद में एक बयान देता है, और उसके बाद इस समय जुलाई में जब सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, बिल्कुल उससे पलट जाता है। मैं बात कर रही हूं देश में मेलाड होने वालों की संख्या, मेलाड होते हुए सीवर गटर में मरने वाले लोगों की संख्या, इसके बारे में। संसद में जो कुछ हुआ, निश्चित तौर पर वह इस सरकार के लिए, इस सरकार की जो पूरी की पूरी कारगुजारी है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उस पर बड़ा सवालिया निशान तो लगाता ही है। साथ ही यह बताता है कि वह भारतीय नागरिकों के प्रति कितनी भीषण रूप से असंवेदनशील है। अब आप देखिए, देश का जो सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, रामदास अठावले उसके मंत्री हैं। उन्होंने सदन में अभी रिटन रिप्लाई यानी लिखित जवाब दिया एक सवाल जो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था कि इस देश में मेलाड होने वाले कितने हैं, कितने लोगों की मौत हुई। सरकार ने सीधा सीधा लिखित जवाब दिया, बोलने में भी गड़बड़ी का सवाल नहीं है, यह लिखित जवाब है जो सदन के पटल पर रखा गया। इस जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा कि मेला ढोने वाला कोई नहीं है, यह प्रथा इस देश में खत्म हो चुकी है। यहां तक उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में इस प्रथा से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जब यह बात बाहर आई तो हंगामा हुआ। हंगामा होना बहुत जायज था, कम हंगामा हुआ कायदे से तो इस पे देश में दूसरे ढंग का भूचाल आना चाहिए था, क्योंकि पिछले 5 सालों में, और अगर 2021 का अभी तक का साल हम गिन ले, 7-8 महीने गिन ले, तो 500 के करीब भारतीय नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। और यह सारा का सारा आंकड़ा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास मौजूद है। हर खबर, हर मौत जब आती है, जिस पर रिपोर्ट होती है, उसकी सूचना इस मुद्दे पे काम करने वाले संगठन केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझकर पहुंचाते रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में खुलेआम इतना बड़ा झूठ बोल देती है कि पिछले 5 सालों में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। जबकि यही सरकार, इसी सरकार का यही मंत्रालय फरवरी में जवाब देता है, यही मंत्री जवाब देते हैं कि 5 सालों में सीवर और सेप्टिक टैंक में 370 लोग मारे गए। यह सरकारी आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं, जो सदन के पटल में उन्होंने फरवरी 2021 में रखा था। इस समय जुलाई 2021 है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 340 लोगों की मौत का ब्यौरा यह सरकार रखती है सदन के पटल में। इसमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दिखाई जाती हैं, 53, तमिलनाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34, हरियाणा और गुजरात में 31 मौतें, और इस तरह से पूरा ब्यौरा। यह सरकारी आंकड़ा है, यह मैं बाकी संस्थाओं की आंकड़े की बात ही नहीं कर रही हूं। और देखिए, महज चंद महीनों में
सरकार, दूसरा झूठ बुद्ध। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि जिस समय मोदी सरकार सदन में, जिसे सर्वोच्च सत्तावान केंद्र माना जाता है, वहां पर यह लिखित बयान दे रही है कि देश में मेला ढोने वाले लोग नहीं, तब दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मेला ढोने वाले लोग आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने बात की विमल कुमार जी से, जो कि हापुड़ में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि जो मैला प्रथा में लोग लगे हैं, जो देश का कानून उन्हें संरक्षण देता है, जिस तरह से उनके पुनर्वास की गारंटी करता है 2013 का कानून, उसका क्रियान्वयन हो। 2018 में इस इलाके में पूरे देश की तरह ही मैला प्रथा में लगे लोगों के शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए सर्वे कराया गया था। यह सर्वे आपने और हमने नहीं कराया था, यह सर्वे सरकार ने कराया था। यह हकीकत हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार एक के बाद एक झूठ बोल रही है और झूठ पूरी बेशर्मी से बोल रही है। जब झूठ पकड़ा भी जाता है तो वे मानने को तैयार नहीं होते। आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वे सब जुलाई 2021 की हैं। वह बहुत पुरानी बातें नहीं है, या इस साल की बातें हैं। सन 2018 में जो सर्वेक्षण हुआ था मैनर स्कंजर का, वो कार्य आज तक भी इनकम्प्लीट है, जबकि हापुड़ क्षेत्र में आज भी बहुत से लोग मैनर स्कंजर के काम में लिप्त हैं। मैंने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। और अब इतना लंबा समय हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम नहीं होगा, इसलिए मैंने संपर्क आप लोगों से कि आप इस काम को पूर्ण कराएं और उन लोगों को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने में उनकी मदद करें। और आज जब सदन में यह झूठ बोला जाता है कि कोई नहीं मारा गया, तो उनकी मौतों पर मजाक उड़ाती दिखाई देती है हमें यह सरकार। वह मानो कहीं और के नागरिक हों, भारत का उनसे कोई वास्ता नहीं। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग मारे गए वह अति पिछड़े समाज से आते हैं, वह दलित समाज से आते हैं, वे सफाई कर्मचारी समाज से आते हैं, जिनका न जीवन मायने रखता है मोदी सरकार के लिए और न मरना मायने रखता है मोदी सरकार के लिए। इस बारे में हमने बात की सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन से, जो लंबे समय से हर एक मौत को सरकार के साथ दर्ज कराते रहे हैं, उस पर अपना विरोध आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने का काम सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। इस साल जो 26 मौतें हुई हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में, तकरीबन हर मौत पर इसी मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को पत्र लिखा है, पूरा ब्योरा दिया गया है, एनएचआरसी को ब्योरा दिया गया है, स्टेट अथॉरिटीज को ब्योरा दिया गया है, मुख्यमंत्रियों को ब्योरा दिया गया है, ताकि कल कोई यह ना कह सके कि उन्हें पता नहीं था। आइए सुनते हैं बेजवाड़ा विल्सन। देश की संसद में जो अभी मोदी सरकार ने जवाब दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है और कोई नहीं मरा, इसे लेकर काफी हंगामा है। आप लोग तो लगातार जितनी डेथ्स हो रही हैं उसे बोल रहे हैं, माजरा क्या है पूरा? नो, एक बात है, वो कितने लोग मर चुका पिछले पार्लियामेंट सेशन पे वो खुद बताया, ये पार्लियामेंट सेशन पे आके कोई नहीं मरा ऐसा कुछ नहीं है, बोलना क्या जरूरत है? इसका मतलब वो पहले क्या बोला, इसका सबका पुनर्वास देना, ये सारे ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है, ये उठाना वो तैयार नहीं है। ये दलित ने उगना कोई मर चुका उनका तो हम लोग उठाना क्या जरूरत है, मरे तो मारा गए उनका छोड़ो वहाँ, ऐसा सोच के डेटा देना बंद करने के ये सरकार का एक नीति बन गया। लेकिन इसी समय यही सरकार मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकने के लिए, मैला ढोना रोकने के लिए एक नया कानून लाने की भी बात कर रही थी, जिसमें उसने कहा कि वो बहुत सख्त कानून होगा, तो क्या वो उसका प्रारूप आपसे सरकार ने चर्चा किया था? नो, चर्चा तो होते हैं, बट उनसे एक बात होते, एक उनका खुद वो कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं,
वो कभी सरल तर पे काम करना तैयार नहीं होते, क्यों तो उनके इंटेंशन होते हैं लोग का कुछ काम करना, इसका हम डाउट करते हैं हमेशा। वो सही है ये अभी प्रूव हो गया। एक जगह कानून बनाता है, फिर नया कानून बनाएंगे और कोई नहीं है, और महिला प्रथा खत्म हो गया, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने के तैयार हो जाते हैं। ऐसा बहुत विभिन्न रूप से द्वंद्व नीति हमेशा होते हैं। अभी क्या आपकी रणनीति है सफाई कर्मचारी आंदोलन की, क्या रणनीति होगी जब सरकार ने सीधे सीधे कहा कि मैला प्रथा नहीं है? इससे पहले जवाब में उन्होंने कहा था कि उन्होंने 58,000 कुछ लोगों को चिन्हित किया है सर्वे में, जिसमें से 16,000 को पूरा का पूरा पैकेज दे चुके हैं, और अब ये नो, हमने पहले डेटा दे दिया सरकार का और सारे कोर्ट कचहरी का भी डेटा दे दिया। और डेटा जब कहते हैं डेटा दे दिया, डेटा यानी क्या? डेटा मतलब कितने लोग मर चुका, वो सारे डिटेल्स होते हैं। मरने के बाद हम लोग ने सबका प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री और सोशल जस्टिस मंत्रालय का, सेक्रेटरी का, मिनिस्टर का, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, NHRC, अन्य सब लोग का हमने डेटा देते हर व्यक्ति मरने के समय। सो डेटा कितने बार देना दे वो तो खत्म हो गया, और भी देंगे, बट इससे ये सरकार सुनने वाला नहीं है। हमने लोग अभी कितने लोग मर चुका उनका परिवार लेके हम बैठ जाएंगे, वो समय सरकार का मालूम होगा कोई मरा नहीं मरा। बैठ जाएंगे यानी हम जो एक लोग लेके उनका सामने बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे मेरा कौन हमारा परिवार का लोग मरा नहीं मरा बताओ, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा? डायरेक्ट हमने उनसे पूछेंगे, कौन बताते हैं उनसे हम पूछेंगे। मैला प्रथा को लेके लगातार 10-15 साल से एक ही रणनीति कोई भी सरकार हो, इससे पहले वाली सरकार भी नकारने में थी, यह सरकार कभी बोलती है कि हम नया कानून लाएंगे, कभी नकारती है, तो क्या मामला क्या है? नो, सरकार ने हमेशा उनका एक ही रणनीति होते हैं, हम लोग ने ये खत्म कर दिया बोलना, अगर नहीं है तो फिर दोबारा वो बोलते हैं हम रिसर्वे करेंगे, फिर सर्वे करेंगे। उनका खुद सर्वे का वो विश्वास करते हैं, उनका सरकारी का अधिकारी कोई भी इधर इतने लोग हैं ऐसा है बोलने के वो तैयार नहीं होते हैं। ये सिलसिला में हमने कितने बार उनका डेटा दो कोई फायदा नहीं है, और उनका खुद सर्वे से आंकड़ा बाहर नहीं आएंगे, उनका सर्वे तो आंकड़ा नहीं आएंगे, क्यों तो वो लोग खुद सरकारी का अधिकारी सफाई का काम करने वाला है, इसका पहचान करना, इसका एक्सेप्ट करना वो तैयार नहीं है। जब भी कोई सीवर में मौत होती है तब आपका आंदोलन क्या करता है? हम सबका ये पहले हमने कहा है परिवार उनका मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं, बाद में उनका डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम विजिट करते हैं। वो लोग ने इसका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, PMO, सोशल जस्टिस मंत्रालय और मंत्री और सचिव और चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अन्य सब लोग का हम लोग ने बता दो ये विषय पे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी कई समय हम लोग ने बता दो। ये डेटा देने के बाद अभी तक हमारे पास 5 साल का अंदर सरकार ने कहा 340 लोग मर चुका, ये गलत है। अभी 5 साल का अंदर 472 पीपुल डाइड, इतने लोग मर चुका, और ये साल 2021 पे 26 पीपुल डाइड। सो ये डेटा सारे उनका हमने बताया, ये नया कोई नहीं है। हम हमेशा कुछ भी संगठन दुर्घटन कहीं भी होगा हम उनका बताते हैं ये हुआ। किसी पर आपका जवाब भी आपको मिलता है क्या? मुझे NHRC का बिना और कहीं से नहीं मिलते। NHRC का भी वो ऑटोमेटेड मैसेज एक होते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो मिल जाते हैं, आपका आया इसका नंबर ये है, कार्रवाई हो जाएगा। कार्रवाई क्या हुआ क्या है इतने नए? एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि सरकार की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है वो सच को झुठलाने वाली है। सरकार को पता है कि इस देश में अभी भी सीवर और सेप्टिक टैंक में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर गांव में स्वच्छ भारत के लंबे लंबे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं जो आपके और हमारे पैसे से खर्च होते हैं, जो टैक्स पेयर मनी है उससे वो सारा प्रचार प्रसार होता है, जो सेस हम देते हैं स्वच्छ भारत के नाम पर उससे वह प्रचार प्रसार होता है। ये जो पूरा का पूरा स्वच्छ भारत का मीडिया और
बाकी संगठनों के जरिए एक पूरा का पूरा वातावरण फैलाया गया है, माहौल बनाया गया है कि भारत में सारी जगह ODF हो गई है, यानी ओपन डिफेकेशन फ्री हो गया है, कहीं पर भी मैला प्रथा नहीं है। यह शायद इस सरकार का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम और आप और कम से कम ये 500 भारतीय लोगों की जानें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पिछले 5.5 सालों में सीवर और सेप्टिक टैंक में मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, बढ़ी है। इसी तरह का बयान 2020 में भी सरकार ने सदन में दिया था, वहां पर भी उन्होंने माना था कि सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें हो रही हैं। यानी एक हाथ में एक तरफ यह सरकार मानती है कि भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं, और वहीं जब उसे यह क्लेम करना होता है, यह दिखाना होता है कि भारत कितना विकसित हुआ है, अपने ही आंकड़ों को नकार देती है, दफना देती है और नए ढंग का झूठ गढ़ती है। ये जो तमाम मौतें हैं जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, यह मौतें उसका बहुत गहरा रिश्ता भारत की जो जाति व्यवस्था है उससे है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में साफ सफाई का काम, गंदगी साफ करना, गटर काम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, सब जाति आधारित है। और शायद इस जाति से जुड़े लोगों की जिंदगी इन सरकारों के लिए कोई मायने नहीं रखती, वे मान के चलते हैं कि इन लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। शायद इस बड़े झूठ को बेनकाब करने के लिए जिस तरह से सफाई कर्मचारी आंदोलन और बाकी संगठन अगर सामने आते हैं और कहते हैं कि 500 लोग जो मारे गए उनके परिजनों को वह सामने लाएंगे ताकि देश का सच देश के सामने उजागर हो, बेपर्दा हो।